हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड दोस्तों, जो आज का वीडियो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ टू डिसेबल विंडो 10 लॉगिन पासवर्ड। तो आपको कैसे बिना पासवर्ड के लॉगिन करना है, इस वीडियो में आपको बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों, उसके लिए विंडो के आइकन पर जाना, आपको यहाँ पर क्लिक करना हमने। उसके बाद यहाँ पर सेटिंग में चले जाना है। उसके बाद ये वाला पेज खुल के आएगा दोस्तों। यहाँ पर अकाउंट्स में जाना है। यहाँ पर जो भी अकाउंट से रिलेटेड जो भी यूजर्स होते हैं उनकी डिटेल रहती है यहाँ पर। और उसके बाद साइन इन ऑप्शन यहाँ पर जाना है। और उसके बाद इसको स्क्रॉल डाउन करना है दोस्तों, और इसको नेवर कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर जाना है हमने पासवर्ड पर, साइन इन विद योर अकाउंट्स पासवर्ड, इस पर क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर चेंज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और यहाँ पर अब आपको अपना पासवर्ड डालना है, जो अभी करंट का पासवर्ड है आपका, ये डालना है आपको। नेक्स्ट कर देना। और यहाँ पर इसको कोई भी पासवर्ड नहीं डालना आपको, इसको एज इट इज छोड़ देना आपको। और नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है और एक फिनिश कर लेना है। इसके बाद दोस्तों, जब भी आप लॉगिन करेंगे आपको पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा, आपका डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा बिना पासवर्ड के। उसके लिए आपको रीस्टार्ट पर जाना है यहाँ पर। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरा जो सिस्टम है बिना पासवर्ड के यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। और दोस्तों, आपको अब मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा कि आप कैसे आप रिमूव कर सकते हैं लॉगिन पासवर्ड को, और कैसे आप दोबारा ऐड कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर दिस पीसी पे जाना हमने, और इसको ओपन कर लेना दोस्तों। उसके बाद इस पर राइट क्लिक करना है हमें, और यहाँ पर मैनेज पर जाना है। उसके बाद दोस्तों, ये वाला पेज खुल के आएगा, लोकल यूजर्स एंड ग्रुप्स, इसको एक्सपेंड कर लेना हमने। और उसके बाद यूजर्स पे क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर आपको अपना जो भी यूजर नेम होगा वो मिल जाएगा आपको, जिससे भी आप लॉगिन करते होंगे। तो ये वाला मेरा यूजर नेम है, जो यूजर नाम के से सेव है। इस पर राइट क्लिक करना आपको और सेट पासवर्ड करना है। उसके बाद प्रोसीड कर देना है, और ये आपको ब्लैंक छोड़ देना है ताकि ये आपको पासवर्ड ना डालना पड़े लॉगिन करते टाइम। और ओके कर लेना है, और द पासवर्ड हैज बिन सेट, ओके कर लेना। और दोस्तों, अगर आपको अगर दोबारा पासवर्ड लगाना हो इस पर, तो आप सेम जगह पर यहीं पर आके यहाँ पर राइट क्लिक करना हमने और सेट पासवर्ड करना है। उसके बाद सेम ऑप्शन प्रोसीड करना है, और यहाँ पर अब आपने अपना पासवर्ड डालना है जो आप डालना चाहते हैं दोबारा से। उसके बाद यहाँ पर आपको रिकन्फर्म करना अपना पासवर्ड, और उसके बाद ओके करना है। और ओके करने के बाद दोस्तों, आपको अपना पासवर्ड फिर डालना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं तो। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।